हरे कृष्णा। आज मैं आपको राधा अष्टमी के पावन मौके पर श्रीमती राधा रानी का प्रिय सब्जी अरबी को बनाना बताऊंगी। ये सब्जी ब्रजभूमि मथुरा क्षेत्र में भी काफी प्रसिद्ध है। अरबी फाइबर, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन से भरपूर होती है। इसके अलावा इसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं। अरबी की सब्जी अलग अलग प्रकार से बनाई जाती है। यहाँ पे मैं आपको अरबी की फ्राई सब्जी बनाना बताऊंगी। मसालेदार अरबी की सब्जी स्वाद में काफ़ी अच्छी होती है, तो चलिए चलते हैं इसके बनाने के प्रोसेस को देखते हैं। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम अरबी ली है, जिसे अच्छे से साफ करके छील लेंगे। इसके अलावा 2 मीडियम साइज का टमाटर, 2 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 2 तेज पत्ता। मसालों में मैंने 1 चम्मच साबुत जीरा, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच के बराबर जीरा, धनिया और काली मिर्च का पाउडर लिया है। इन सब के अलावा 2 चम्मच बेसन और 2 चम्मच फेटी हुई दही ली है। सबसे पहले अरबी को छोटे छोटे टुकड़ों में इस प्रकार से काट लेंगे। अब हम कटी हुई अरबी को मैरिनेट करेंगे। इसके लिए कटी हुई अरबी को एक बाउल में डालेंगे। और उसके बाद उसमें 2 चम्मच बेसन, 1 चुटकी हल्दी पाउडर, चुटकी गरम मसाला पाउडर, 1/2 चुटकी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा नमक, 1/2 नींबू का रस डालेंगे। इन सबको अच्छे से मिक्स करके 5 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। ग्रेवी बनाने के लिए टमाटर, अदरक, हरी मिर्च को मैंने फाइन चॉप कर लिया है। अब हम मैरिनेट किए हुए अरबी को फ्राई करेंगे। इसके लिए सबसे पहले एक पैन को गर्म कर लेंगे और उसमें 2 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। तेल अच्छे से गर्म होने के बाद इसमें मैरिनेट किए हुए अरबी को हम डाल देंगे। इसे हमें 10 से 15 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे क्रिस्प ब्राउन होने तक फ्राई करना है। करीब 8 से 10 मिनट तक भूनने के बाद इसे 5 मिनट के लिए मीडियम से लो फ्लेम पर ढककर छोड़ देंगे। ये देखिए, अरबी अच्छे से भुन गई है। इसे 5 मिनट के लिए तेज फ्लेम पर और भून लेंगे। ये देखिए, अरबी भुनकर तैयार हो चुकी है। अब हम इसके मसाले की तैयारी करेंगे। मसाले बनाने के लिए हम एक पैन लेंगे और पैन अच्छे से गर्म होने के बाद इसमें 2 से 3 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो उसमें 1 चम्मच जीरा, तेज पत्ता, चुटकी भर हींग डालकर 2 से 3 सेकंड के लिए भूनेंगे। इसके बाद इसमें हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, धनिया, जीरा, काली मिर्च का पाउडर और इन सबको 2 से 3 सेकंड के लिए भूनेंगे। और इसके बाद इसमें टमाटर, अदरक, हरी मिर्च का पेस्ट डालेंगे। 2 से 3 चम्मच मैं पानी भी डालूंगी ताकि मसाले जले नहीं। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद करीब 3 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। करीब 3 मिनट के बाद मसाले भूनकर अच्छे से तैयार हो गए हैं और मसाले ने तेल भी छोड़ दिया है। अब इन सबको एक बार और अच्छे से चला लेंगे और इसके बाद इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे।
नमक को मसाले के साथ अच्छे से मिक्स करने के बाद 1 मिनट तक और भूनेंगे। इसके बाद इसमें फेटी हुई दही ऐड करेंगे। आंच को हम मीडियम फ्लेम पे ही रखेंगे, क्योंकि तेज आंच पर दही डालेंगे तो दही फट जाएगी, तो और दही को मसाले के साथ अच्छे से भूनेंगे। दही को मसाले के साथ करीब 1 मिनट तक भूनने के बाद इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे। इन सब को अच्छे से मिक्स करके करीब 5 मिनट के लिए मीडियम आंच पर ढक कर पकाएंगे। करीब 5 मिनट के बाद मसाले भूनकर अच्छे से तैयार हो गए हैं। अब इसको एक बार और अच्छे से चलाने के बाद इसमें फ्राई की हुई अरबी को डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। अरबी को मसाले के साथ अच्छे से कोट करने के बाद करीब 5 मिनट के लिए ढककर मीडियम से लो फ्लेम पर पकाएंगे। करीब 5 मिनट के बाद अरबी मसाले के साथ अच्छे से भुन गई है। और इसमें अब हम 1 कटोरी पानी डालेंगे और पानी को अरबी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर 5 से 7 मिनट के लिए मीडियम से लो फ्लेम पे ढककर पकने देंगे। करीब 5 मिनट तक पकने के बाद इसमें कसूरी मेथी इस प्रकार से क्रस करके डालेंगे। इन सबको मिक्स कर लेंगे और करीब 2 से 3 मिनट के लिए ढककर लो फ्लेम पर पकाएंगे। ये देखिए, हमारी मसाला अरबी सब्जी बनकर तैयार है। और अब आंच को बंद करके इसमें नींबू का रस ऐड करेंगे। नींबू का रस आंच पर रखी हुई सब्जी पर नहीं रखना चाहिए, वो हेल्थ पर्पज से सही नहीं होता, इसलिए हम गैस को ऑफ करके तब नींबू का रस डालेंगे। नींबू का रस डालने के बाद करीब 2 मिनट के लिए सब्जी को कवर करके छोड़ देंगे। ये देखिए, हमारी मसाला अरबी की सब्जी बनकर तैयार है। इसे हम भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी को भोग लगाएंगे। गर्मा गर्म मसाला अरबी की सब्जी को आप रोटी, पराठा, चावल के साथ सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगता है। आपकी मसाला अरबी की सब्जी कैसी बनी है, हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि आपको वीडियो अपडेट्स मिल सके।